गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे और पूरे महानगर सहित जिले का भी हाल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिलाधिकारी ने किया उनके चित्र पर माल्यार्पण। मनाया गया सोशल जस्टिस डे। कहा कार्यालय में अपने काम से आने वालों के साथ न करें भेदभाव। सभी राजनीतिक पार्टियों ने याद किया संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का योगदान। मनाई 127वीं जयंती। मूर्ति और चित्रों पर हुए फूल मालाओं के बरसात। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया बाबा साहब का जन्मदिन। सपा और बसपा ने भी साथ में मिलकर मनाया भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। इसी क्रम में अंबेडकरवादी जागरण मंच ने मनाया बाबा भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मोत्सव। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने भी मनाया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव। सिख समुदाय ने मनाई बैसाखी का पर्व। पूरे हिंदुस्तान सहित महानगर में भी आयोजित हुआ शबद कीर्तन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ तेज नारायण गुट के 55वें प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी में शिक्षकों ने उठाई अपनी समस्याएं। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। बच्चों में वितरित किया विकलांग उपकरण। गोरखपुर के मेधावी इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई सड़क। निर्माण के लागत में कम से कम 30% कम करने की तकनीक। जीत चुके हैं दर्जनों से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष में समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अंबेडकर जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। 11 जून तक धारा 144 लागू। एडीएम सिटी ने दिया आदेश। और फिफ्थ असाइड अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता के सफल कवरेज के लिए आयोजकों ने दिया मीडिया को धन्यवाद। अब खबरें विस्तार से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान निर्माता एवं युग प्रवर्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन दर्शन प्रेरणादायक है। उन्होंने शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि शिक्षा के अभाव में मनुष्य का विकास कभी भी संभव नहीं है। शिक्षा ही मनुष्य और जानवर में अंतर कराती है। इसके अलावा उन्होंने जनमानस को संगठित होकर कार्य करने का आह्वान भी किया। समता स्वतंत्रता एवं भाईचारा की स्थापना के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। जिलाधिकारी ने आगे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजीवन दलितों उपेक्षितों शोषितों और अल्पसंख्यकों पिछड़ों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। साथ ही समाज में व्याप्त गैर बराबरी की भावना को दूर करने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल सीआरओ बलराम सिंह ने भी उपस्थित लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन एवं उनके आदर्शों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। ट्रांसफर की ओर से भी माल्यार्पण किया जा रहा है।
इसके बाद हम प्रायः सरकारी महोदय नगर में स्टे करके कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अविनाश पांडे जी की ओर से है ना बड़ा तथा मीन से अध्यक्ष विश्वनाथ गुप्ता जी की ओर से सर सभी लोग कैसे आ पाएंगे नहीं कुछ लोग आ जाते फिर सर एक मिनट आप लोग करने के बाद जब देश को आजादी मिली तब एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि इस देश का संविधान कैसे रखा जाए, कौन बनाएगा और अंग्रेजों के संविधान से छुटकारा कैसे मिल सके। 7 अप्रैल 1991 इंदौर जिले के मध्य प्रदेश में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो वहीं से हुई है। इनके जो पूर्वज थे वो मध्य प्रदेश में छावनी में काम किया करते थे। शुरुआत में जिस स्कूल में बाबा साहब पढ़ते थे वहाँ पे अस्पृश्यता जैसी बहुत बड़ी समस्या थी। जो वहाँ के चपरासी थे वो जो अछूत अपृश्य जात के लोग होते थे, बाहर जात के लोग होते थे, उनको लोटे से ऊपर से पानी पिलाते थे, बर्तन वगैरह छूने का अधिकार नहीं था। उन्हीं सब परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने आगे से पढ़ाई की और फिर जो है इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया उन्होंने लंदन स्कूल से। और उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले कानून मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद जो हमारी मसौदा समिति संविधान सभा की उसमें अध्यक्ष बने और बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें थीं वो जो संविधान अपने यहाँ सबसे बड़ा संविधान है उसमें उन्होंने उसको डाला और एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी को बराबर का अधिकार मिले और सभी के लिए समान अवसर मिले ऐसी व्यवस्था की गई। ब्रिलियंट पर्सनालिटी थे, आगे चल के वो उनको फेलोशिप मिली, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, वहाँ से पढ़ाई किया। पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से पीएचडी की थी। पहले भारतीय थे संभवतः जिन्होंने दो विषयों में विदेश थे पीएचडी, एक अर्थशास्त्री एक राजनीतिक और एक जूरिस्ट। तीनों प्रतिभाएं उनमें थी। जो 5 साल के अपने अंतराल के बाद अमेरिका और यूरोप में रहने के बाद जब वो लौट के आए उस बीच में शायद वो भूल गए थे कि जो अनडिसिबिलिटी है अस्पृश्यता है विदेश में उस आधार पर कोई स्पष्टता तो होती नहीं है, आर्थिक आधार पर अधिक होता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर कास्ट में उसने जन्म लिया है वो नहीं थी। जब वो लौट के आए देश में रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ही उनको आभास हो गया कि ये क्या क्या है, इस तरह की सामाजिक संरचना है जो भी बनी। उनको होटल में कमरा नहीं मिलता था, जो हिंदू द्वारा चलाए जा रहे होटल थे उनमें उनको मना कर दिया जाता था। एक बार उन्होंने नाम छुपा के अपना एक पारसी द्वारा चलाए गए होटल में वो गए। पारसी एक अलग रिलीजन है तो कि उन्होंने समझा कि वहाँ तुमको कमरा मिल जाए। दिवस भी है
सामूहिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे, ये भी मनाने के लिए निर्देश मिला है। ये सामूहिक न्याय के आगन डाल चुके हैं। जानते हैं भीमराव जन्म से लेते हुए उन्होंने कितने लड़ाई लड़ी है, देश के लिए उनके क्या योगदान रहा, तो आगे उनके क्या सपना था, भारत का कैसे देखने चाह रहे थे और हम लोग कहाँ है, वो क्या चाह रहे थे, किस टाइप का भारत को वो सोच रहे थे, कल्पना किए थे, वो भारत हम लोग के सामने आया है कि नहीं, इसका विचार विमर्श करने के लिए एक तरफ से हम लोग यहाँ है। इनको विषय में मैं प्रकाश डालने चाहता हूँ। ये जाति का अंग्रेजी का शब्द है कास्ट, कास्ट कहते हैं उसका, क्या कास्ट कुछ कास्ट शब्द तो भारत में ही नहीं, तो मतलब अंग्रेजी ही नहीं थे, पुर्तगाल का शब्द था। कास्ट मतलब प्योर ब्लड, यानी ये शुद्ध खून वाले हैं, ये इसका अर्थ है, तो उसका मीनिंग मतलब वो कहना क्या है, जो आदमी है जो अपने खानदान सा अपने प्योरिटी का यानी आपको शुद्धता का रचना करते हुए उसको आगे बढ़ाने के कॉन्सेप्ट पहले कहीं भ्रम में आ गया है, उसी का आगे बढ़ा के ये समूह बढ़ गया है। अब देखिए ऐसे नहीं है तो केवल भारत एक छुआछूत और धार्मिक और राज और इसी में बटा हुआ है, हर देश विदेश में हर जगह ये चलता है। ये हायरार्की कहते हैं, किसी न किसी रूप में हायरार्की होती है। मान लीजिए किसी भी धर्म लेंगे, धर्म में तो फिर होता ही है, अब तो हिंदू धर्म में तो तमाम अलग है, उसी के अलावा मुसलमान में भी अलग जो धर्म का गुड़बंदी है, उसी के अलावा क्रिश्चियनिटी में भी अलग गुड़बंदी है, वो कहते हैं आरसी क्रिश्चियन कहते हैं, कैथोलिक कहते हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं, अलग अलग गुड़बंदी धर्म में भी है। जात में भी कहेंगे तो जात में भी अलग अलग जात का अलग अलग गुटबंदी होता है उसको, मतलब उसका तो ये बटा हुआ बेसिक चीज आप देखेंगे जो एक ही फंडा है जो कॉन्सेप्ट में कहते हैं इंदुर काउंटर, यार आप मेरा बिरादरी क्या है, बाहर का मेरा आदमी है क्या, वो दूसरा आदमी है, मेरा मित्र है कि मेरा दुश्मन, ये चीज तो शुरुआत में तब हम लोग तब जेनेटिकली तब वो पहले हम लोग सारे बंदर थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बंदर का जो नॉलेज बढ़ गया, हम लोग आदमी बन गए, वो समय से शुरुआत हुआ था ये कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे जो मैं बताया था प्योर कास्ट इत्यादि का जो कॉन्सेप्ट है, अब ये जीन जेनेटिकली तो बहुत सेड़ी हुआ है, जो हम लोग का जो शरीर में यूजुअली होता है 23 क्रोमोसोम प्लस 1 क्रोमोसोम का पूरा सेड़ी हुआ है, ये तो ये हम लोग आज जो हम लोग का कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, यानी जो हम लोग एक तरफ बंदर के प्रताजी है, हम लोग एक उसका अलग वो अलग वेराइटी है, हम लोग उससे आगे आगे हम लोग पहले तमाम पीढ़ी थे वो गुजर गए थे, कुछ लोग हम सक्सेसफुली आ गए हैं, आज तो पूरा दुनिया का हम लोग कंट्रोल में कर रहे हैं। शुरुआत देखेंगे हम लोग पहले बंदर उसके पहले थे, तब कहीं ना कहीं हम लोग अफ्रीका का किसी माँ का गोद से निकले थे, फिर तो उसके बाद कहाँ कहाँ गए थे, उसी हिसाब से हम लोग का शरीर पूर्ण उसी हिसाब से बदलाव हो गया। मन भारत में भी देख सकते हैं, दक्षिण भारत वाले थोड़ा काला रहते हैं ताकि वो सीजन के हिसाब से, ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़ा नाता रहते हैं तो वो येलो रंग का हो जाता है, वो उसी का क्लाइमेट के हिसाब से उनका रंग बदल जाता है, वो रेशियल फ्यूचर्स कहते हैं, अलग अलग रेसेस हो जाता है, उसके बाद फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसी के हिसाब से हो जाता है। मैं ये बात में आता हूँ, ये सारे चीज अम्बेडकर जी ने डिस्कस किया अपनी किताब में, यही आश्चर्य बात है। उसके साथ साथ ये बात मैं बताए थे, देखिए जातिगत बात है, ये केवल 1500 साल पुरानी है, ऐसा नहीं है तो हम लोग तो पहले से ही है, तो तब से ये लेटर वेरी फिर वेद में नहीं है, ऋग यजुर सामा अथर्वण में कतई ये मेंशन नहीं है, जुआ छूत कोई जात कुछ भी नहीं, हम तो विद विद में वेद भी पढ़ चुका हूँ, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है मेरा, कहीं भी ये शब्द प्रयोग ही नहीं किए, कौन कौन होता है बीच में, कभी ये मनु स्मृति आई है उसके बाद 2-3 किताब है उनने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, केवल 1500 साल से ये बटा हुआ हम लोग, उसको कुछ कम्युनिटी कह रहे हैं तो ठीक है मैं आगे हूँ, मैं बीच का हूँ, मैं नीचे हूँ, ये छुआछूत वाले हैं, ये सारे तमाशा केवल 1500 साल का तमाशा है, उसके पहले था ही नहीं। मैं बस देखिए अम्बेडकर जी एक ही बार जन्म लिए, देखिए एक आदमी का मुश्किल से एक जन्म में मुश्किल से 70 साल मिलता है जीने के लिए, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए 25 साल के बाद ही एक आदमी कॉन्ट्रीब्यूट करता है ताकि पढ़ लिख लें, एक बार मुश्किल से 30 साल समूह के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये जो अम्बेडकर जी कितने लड़ाई लड़े थे, ये तो आजाद के पहले इतने लड़ाई था, 1932 में उनका और गांधी जी के आपस में इतने झगड़ा हो गया था कि उन्हें लंदन चले गए थे, लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी ने बुलाया चलो भारतवासी आप आ जाओ हम लोग के साथ बात करो, हम कैसे संविधान बनाएंगे चर्चा करेंगे, अम्बेडकर जी चले गए, पहले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये मुद्दा उठाया साहब ये तो हम लोग इंडियन सभी लोग एकजुट नहीं है, हम लोग आपस में बटे हुए, पहले उसको फैसला करो तब हम लोग आगे आएंगे, तो महात्मा गांधी जी के तब संज्ञान में आने के बाद वो भटक गए,
बात तो सही है, ताकि तो पहले तो एक हो जाए तब हम लोग दुश्मन से लड़ सकते हैं। उसके बाद आगे आए वापस, उसके बाद 1932 में उनका महात्मा गांधी जी के आपस में एक पूना पैक्ट हुआ है, उसमें तय हुआ चलो भाई हम मान रहे हैं तुम्हारा जो कितने लोग हैं जो हम लोग को भारत में बैठा हुआ है उन लोगों को भी हम लड़ेंगे, उन लोगों को कितने हक चाहिए साथ ले चलेंगे, उनको भी जो हक है वो दिलाएंगे। उसके बाद 1932 के बाद महात्मा गांधी जी ने अपने एक तरफ मोड़ ही बदल दिया, अपने रूप रेखा आप देख सकते हो। उसके बाद ये हाइजन ये न्यूज़पेपर शुरू किए, उसके बाद लिखत पढ़ी शुरू किए, उसके बाद जो ये वर्ग है किसके लिए अम्बेडकर जी पूरे जन्म से लड़ रहे हैं उनके साथ चले ले चले। उसके बाद तब ये जो हम लोग आज़ाद कर कला पर आ गए हैं उस समय में भीमराव अम्बेडकर जी के ही ये बड़ा जिम्मेदारी सौंपे हैं उनने। देखिए आप बेहतर जानते हैं ये हम लोग का आपस में कितने बता हुआ है, इसका आप ही करिए। उसके बाद अम्बेडकर जी इतने मेहनत किए हैं ताकि तो हमको मैं खुद लाया हूँ भी पढ़ाता है 392 जो आर्टिकल है उस पर एक एक आर्टिकल के लिए इतने मेहनत की। उस पर आप देखेंगे तो तमाम देश करीबन तकरीबन 35 देश हैं, वो तो पूरा हम लोग का जो एक तरफ से वो सार है वो निकल करके हम लोग कॉन्फ्यूशन में रखे हुए थे। आप देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन जर्मन से लिया है, कंकरेंट प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जो फंडामेंटल राइट है यूएस से लिया है, और बाकी चीज़ें यूके से लिया है। मतलब ऐसे मेहनत किए एक तरफ एक संविधान हम लोग के सामने पेश किए, पूरे दुनिया में किसी के पास नहीं है ऐसे संविधान, पूरे सारे अच्छाई है पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ करके रखते हैं, और आगे भी आप कितने हजार साल भी ये भारत रहिएगा उतने के लिए पर्याप्त है संविधान। हम लोग के आसपास कितने देश हम लोग के साथ आज़ादी हुआ है सब लोग उतने डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी में केवल नहीं हो पा रही थी, पाकिस्तान देख सकते हैं, नेपाल देख सकते हैं, श्रीलंका देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, बांग्लादेश देख सकते हैं, उन्हीं लोग उतने सफल नहीं हो पा रहे तो हम लोग हमेशा सफल रहे। ताकि इस पे सबसे प्रथम शब्द उन्होंने यूज किए हम भारत के नागरिक, यानी सबको एक साथ जोड़ दिए उन्होंने, हम सारे एक ही है। उसके बाद उस पे सबको प्रोविजन दिया है, समूह न्याय क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, कौन सी मिशनरी होता है, क्या है सारे चीज। इसलिए तो हम कितने भी जो आप कर रहे हैं तो मान लीजिए जीएसटी आ गया उसको भी प्रोविजन है, उसमें जीएसटी कैसे शामिल करना हो सारे चीज उस पर बढ़ती जा रही है, उतने तो उन्हें करा के कराया। देखिए ये तो इनका बात हो गया, बट देखने चाह रहे थे सारे भारतवासी साथ साथ बिना भेदभाव का रहने कैसे संभव हो, वो उनका सपना रहा। वो मतलब आप जात के धर्म के बाद ये सारे फालतू चीजें हम लोगों पर धोखा हुआ है, ये इसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब तक आपके भागलपुर में बैठने वाले भूखे पड़े हैं, कपड़ा फटा हुआ है, उनको आप और आप यार मदद नहीं कर पाओगे आप किसी लायक नहीं, उनको बस सीधी सीधी फंडा है एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन फंडा। आप पहले आदमी नहीं है उसके बाद तो यार क्या चीज के लिए सोच रहे हैं, कोई आदमी का मेरिट यार अपने जन्म से तय नहीं होता है, अपने आचरण से अपने काम से तय होना चाहिए, वो फंडा उनके क्लियर है। यार आदमी जो मेहनत करता है, आदमी तो पढ़े लिखे आगे बढ़ा उनका सम्मान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने शुरुआत में आरक्षण के बात कहे, ताकि हम लोग इतने साल पिछड़े थे उन लोग आगे खींच के लाने के लिए आरक्षण का बहुत जरूरत था। ऐसे नहीं आरक्षण केवल भारत में है, अमेरिका में भी आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हुआ, एंड यहाँ आरक्षण का भी सीमा रखे उन्होंने, ताकि उनको सपना ऐसे था, उनका कल्पना ऐसे था चलो 50 साल के बाद उसको एक बार रिव्यू कर लें, आरक्षण की जरूरत नहीं उसको बंद करें, वो इसी टाइप का प्रोविजन था उनका। बट देखिए कहीं ना कहीं वो सपना का पूरा नहीं कर पाए आज। देखिए अभी भी देखें छुआछूत तो मैं मान के जा रहा हूँ बिल्कुल बंदी हो गया, चलो हो सकता है तो मन में हो बट उस पर नहीं, एक्शन में नहीं, किसी के छुआछूत करने भी कर भी नहीं पाएंगे तो बात अलग है, उस हिसाब से कानून नियम बना हुआ। उसके अलावा जो उनका कठिनाई होता है, मान लीजिए जो उनका किसी का भेदभाव का बात है, मान लीजिए कहीं काम करने के समय में उस समय में वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट ऐसे कम नहीं हुआ है बिल्कुल खत्म हो गया। तब तक मन में वो चीज़ यार हम लोग एक संघर्ष रूप से हम नहीं मानेंगे यार वो साथी है हमारा ही बंदा है वो हमारा ही भारत का नागरिक है वो, तो फिर ये बात यार कितने साल भी हम लड़ते रहें संघर्ष करते रहें कोई फायदा नहीं होता है। जो गरीब हो किसी मत का है किसी जात का है, एक मकसद होना चाहिए, एक आदमी कचहरी के किस काम के लिए आया दोबारा उस काम के लिए नहीं आना चाहिए, उसी दिन उसको निस्तारण करके भेजना चाहिए। भले आपका बगल वाले पटल से आप जाकर के कुछ कागज लेना हो मुझसे बात करना हो जो भी है, हम लोग एक ही मकसद होना चाहिए भाई, एक बार वो आदमी परेशान होकर आया है उसी दिन परेशान दूर करके चले जाओ, यही एक अच्छा संदेश जाएगा, चलो भाई मैं जाऊँगा तो मेरे काम निपट जाएगा। अगर एक आदमी 10 बार चक्कर काटता 15 बार चक्कर काटता उससे
उससे यार उनको मन में भी तो भ्रम होता है कि बेकार किसे काम नहीं करते, तो हम लोग यार हम लोग का जो छवि है वो भी खराब हो जाता है कि तो ये कलेक्ट्रेट यार कितने बार चक्कर काटोगे तब हो पाएगा काम। ये क्या बच्चा करता हूँ यार, आप जो आने वाले बंदा का पीड़ा समझ लो, सुन लो, उनके उसी दिन कोशिश करो यदि संभव निस्तारण करके भेज दूँ। ताकि हो सकता है कुछ मामला कॉम्प्लिकेटेड हो, दूसरे जगह से ला रहा हो तो उसको नहीं दे रहा हो, तो छोटा छोटा मामला लेके आते हो उसको उसी दिन निपटा के उधर रवाना करते, उसी से आपके मेरिट में डिसाइड करता हूँ। कितने आदमी कितने पटल से कितने बार चक्कर काट रहा उसी के हिसाब से मैं मेरिट तय करता हूँ, कौन पटल वाले काम करते हैं कौन पटल वाले काम नहीं करते, यही मेरा मापदंड है। आपसे भी निवेदन करता हूँ यार, देखिए ये तो कितने बार भी हम कॉन्स्टिट्यूशन ये मान लीजिए संविधान नया भी बनाएंगे, नया तो और कुछ कराएंगे उस पर कोई सुधर नहीं आएगा, तब तक हम मन में ये भेदभाव नहीं हटाएंगे कोई सुधर नहीं आने वाला, मानना पड़ेगा यार आपको। जो देखिए हम लोग कितने साल जो भी आगे बढ़ के जो काम करने के लिए सेवा है मौका है, हम लोग भगवान ने ये अवसर दिया है, हम लोग तमाम जो परिवार का मान लीजिए गोरखपुर में 50 लाख जनसंख्या है, तमाम परिवार होंगे उतने लोगों की जिम्मेवारी हम लोगों के ऊपर, ये जो आप लोग कितने सेवा कर सकते हो मन करके सेवा करो, ताकि 7 साल के बाद आप लोग भी उनके साथ रहना होगा रिटायरमेंट के बाद, ये बात है। हम लोग भी यहाँ का आम नागरिक है, उनके लेवल से सोचो उनका पीड़ा क्या है उसी के हिसाब से उनका पीड़ा का निस्तारण करो, यथासंभव कोशिश करो यार किसी के भेदभाव ना करें, किसी को भी नहीं होना है, और यथासंभव ये चुआ चूत जो भी मामला है आसपास ये भी उसको खिलाफ प्रचार करें, चुप मत ना बैठ, हो सकता है आपके मन में ये अच्छी बात है पर अभी आपके सामने कहीं भी नजर आ रहा हो इसी टाइप का कोई भेदभाव कर रहा है इसी के बारे में बढ़ावा दे रहा है यार ये ऐसे ही है इन लोग ऐसे ही है, तो उसको काटना पड़ेगा, चुप्पी नहीं होना है, चुप्पी भी साथ देने के बराबर है। हम सरकारी कर्मचारी वो जो बात है वो बात गलत है तो उसको काटना पड़ेगा, वो भी करना हो, यही मैं निवेदन करता हूँ। जय हिंद। संविधान निर्माता और दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 127वीं जन्मशती पूरे भारत सहित महानगर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मनाई गई। बाबा साहब का जन्मदिन शायद ही भारत में कभी इतने हर्षोल्लास के साथ सभी की सभी राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी से मनाया गया हो। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी ये देखकर अति आनंदित हो रही होगी कि देश की प्रमुख चारों पार्टियों ने मिलकर ना सही पर अलग ही अलग उनके जन्मदिन को एक त्यौहार के रूप में मनाया। अब इसे राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी कहें या सियासी जरूरत, मगर जो कुछ हुआ निश्चित रूप से सुखदाई था। सियासत की गलियारों से होते हुए सत्ता के शीर्ष तक अगर पहुंचना है तो बाबा साहब अब सबकी जरूरत बन गए हैं। शायद तभी तो जहां एक ओर सपा और बसपा ने मिलकर बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया, वहीं कांग्रेस और भाजपा भी इस मौके को लपकने में देर न की। महानगर के अंबेडकर चौराहे पर जो कि अब पूरी तरह से बदल चुका है और बदल गई है बाबा साहब की मूर्ति स्थल की तस्वीर, यहाँ पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने आकर संविधान निर्माता के मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाबा साहब अमर रहे के नारे लगाए। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिसका नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जमाल अहमद कर रहे थे, सभी ने अंबेडकर चौराहा स्थित बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनकी नीतियों पर चलने की कसमें खाई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जमाल अहमद ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर पर सबसे पहला अगर किसी का हक है तो है कांग्रेस का। इस संदर्भ में आगे उन्होंने बताया। भारत रत्न
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आज सभी लोग उनकी स्तुति करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, 127वीं जयंती है। सबसे पहला हक बाबा साहब के नाम लेने का किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में वो भारत सरकार के कानून मंत्री बने थे। बाकी जो भी दल, राजनीतिक दल नाम लेते हैं, उनके नाम को भुनाने का काम करते हैं कि उनके नाम पर वोटों को हासिल कर सकें। लेकिन बाबा साहब को जिम्मेदारी हमने संविधान बनाने के काम करने की जिम्मेदारी भी हमने सौंपी थी, कांग्रेस पार्टी ने सौंपी थी। कानून मंत्री बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सपनों को लेकर के उसको साकार करने के लिए लगातार सतत संघर्षशील रही है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या ना रही हो, हमने इसकी चिंता नहीं की। हम बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का काम करते रहे। आज देश के अंदर विभिन्न भागों में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मेधावी छात्र हैं, उनकी हत्या, दलित पत्रकारों की हत्या, दलित कार्यकर्ताओं की हत्या और तरह तरह के अत्याचार जो दलितों के ऊपर हो रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी वर्तमान मोदी सरकार की है। हम उसकी निंदा करते हैं और ये संकल्प लेते हैं आज के दिन 127वीं जयंती पर बाबा साहब की, कि अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, दलित उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए, दलित अत्याचार को समाप्त करने के लिए हम हर प्रकार का संघर्ष करते रहेंगे। और ये संकल्प लेते हुए हमने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का कार्य आज जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने गोरखपुर में किया। उधर नए नए दोस्त बने सपा और बसपा ने साथ मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को सिविलाइन स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर मनाया। इसमें मुख्य रूप से सपा के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव सहित अन्य सपाई और बसपाई थे। इस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कुछ लोक गायकों ने अपनी गायकी के माध्यम से बाबा को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि सपा बसपा मिलकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत का निर्माण करेगी। इस संदर्भ में आगे उन्होंने बताया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली है, उनको मानने वाली है। अगर कोई दे पाएगा सपनों का भारत बाबा साहब के सपनों का भारत, तो केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दे पाएगी। और बाकी पार्टियां बाबा साहब को मानने का जो कर सकती है मानती नहीं। यहाँ समाजवादी पार्टी बाबा साहब को विश्वास रखती है, मानती है। शनिवार
शनिवार को अम्बेडकरवादी जागरण मंच के तत्वावधान में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकरवादी जागरण मंच के चंद्रशेखर के नेतृत्व में पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे पर इकट्ठा हुए और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम से जयकारे के साथ उनका जन्मदिवस मनाया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकरवादी जागरण मंच के चंद्रशेखर ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 127वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम अम्बेडकरवादी जागरण मंच के सभी पदाधिकारी सदस्य यहाँ पर एकत्र हैं। आज हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नतमस्तक होकर के उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया इस देश में जिसकी वजह से इस देश के करोड़ों करोड़ों दलित दबे कुचले कमजोर वर्ग के लोग आज सम्मान जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हम यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम सब यहाँ पर आज एकत्र हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के मनाने के क्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की निर्मला देवी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर पार्टी की रानी मिश्रा, सुनीता गुप्ता, रंजना गुप्ता, कंचन सोनी महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की निर्मला देवी ने कहा, अरे मलवा को कब कर दिए, मलवा खाली पकड़ लीजिए, मत बोलिए भैया, मलवा पकड़ जाइए, बस पकड़िए। आज एक अंबेडकर ने माल्यार्पण किया कार्यालय पर। ब्रेक में जाने से पहले चलिए दोबारा जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिलाधिकारी ने किया उनके चित्र पर माल्यार्पण, मनाया गया सोशल जस्टिस डे, कहा कार्यालय में अपने काम से आने वालों के साथ ना करें भेदभाव। सभी राजनीतिक पार्टियों ने याद किया संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का योगदान, मनाई 127वीं जयंती, मूर्ति और चित्रों पर हुए फूल मालाओं के बरसात। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया बाबा साहब का जन्मदिन। सपा और बसपा ने भी साथ में मिलकर मनाया भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। इसी क्रम में अंबेडकरवादी जागरण मंच ने मनाया बाबा भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मोत्सव। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने भी मनाया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव। सिख समुदाय ने मनाई बैसाखी का पर्व, पूरे हिंदुस्तान सहित महानगर में भी आयोजित हुआ शबद कीर्तन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ तेज नारायण गुट के 55वें प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी में शिक्षकों ने उठाई अपनी समस्याएं, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, बच्चों में वितरित किया विकलांग उपकरण।
गोरखपुर के मेधावी इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई सड़क निर्माण के लागत में कम से कम 30% कम करने की तकनीक, जीत चुके हैं दर्जनों से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष में समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अंबेडकर जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। 11 जून तक धारा 144 लागू, एडीएम सिटी ने दिया आदेश। और फिफ्थ असाइड अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता के सफल कवरेज के लिए आयोजकों ने दिया मीडिया को धन्यवाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैसाखी का उत्सव पूरे हिंदुस्तान सहित गोरखपुर महानगर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार को गोरखपुर के जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर धूमधाम से सिख समुदाय के द्वारा बैसाखी पर मनाया गया। फसलों के कटने पर मनाए जाने वाला यह बैसाखी का त्यौहार सिखों सहित हर वर्ग के लोगों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर जटाशंकर गुरुद्वारे में गुरुदयाल सिंह, जो कि दिल्ली से पहली बार गोरखपुर आए हैं, उनका कथावाचन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूफी संत गुलाम हैदर कादरी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इसके आयोजक ने बताया, अमृत चला नई स्थिति।
नौकरी ऐसी है जिसको 18 साल तक अपने बेटा होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ तेज नारायण गुट का 55वां प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी का आयोजन एमपी इंटर कॉलेज के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, विशिष्ट अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, राज बहादुर चंदेल, संघ के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण, ज्वाला प्रसाद, हरिमिलन शाही सहित अन्य पदाधिकारी और भारी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। शैक्षिक गोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों की समस्याओं को मुख्य अतिथि से अवगत कराया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षक संघ के अध्यक्ष और एमएलसी चेत नारायण ने बताया, इस संगठन के संरक्षक जो हमेशा हम सभी को दिशा नई अध्यक्ष मानी ग्रंथ सिंह कुशवाहा जी ले जाकर के सम्मान के साथ सरस्वती के लिए माल्यार्पण कार्यक्रम पहले सत्र में हो चुका है। उस विभूति के लिए भी माल्यार्पण करने का कार्यक्रम हमारे मुख्य अतिथि और हमारे विशिष्ट अतिथि सांसद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि उन माता सरस्वती के लिए और मां अम्बेडकर जी के लिए माल्यार्पण रूपी देवी सरस्वती के लिए और आदरणीय हमारे संरक्षक जी अध्यक्ष जी पूर्व सदस्य भाई लवकुश मिश्रा जी, आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो गोरखपुर से विधान परिषद के सदस्य हैं, इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, हमारे सहयोगी भाई अरविंद शाही जी इस कार्यक्रम के साथी हैं, जो सरस्वती वंदना जी बहने हैं। कि हमारी कटौती हो गई, वो शो नहीं कर रहा है, उस पैसे का कोई संरक्षक नहीं, बताने वाला कोई नहीं, तो अभी कोई बताने वाला नहीं तो आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उसकी परिस्थिति है। हम चाहते यह है कि सरकार का पैसा भी उसी ट्रेजरी में रहे, हमारा पैसा भी उसी ट्रेजरी में रहे, जनता का भी काम होता रहे, इसलिए नई पेंशन योजना को सरकार वापस ले और पुरानी पेंशन योजना को चलते रहने दे। यह जो पूरी बात समझने समझाने की है कि जो कुछ हुआ हूँ उन संघर्षों में कि कैसे बड़े बड़े महान जो आपके शिक्षक प्रतिनिधियों के सामने उन संघर्षों तब मैं सोचा करता था, क्योंकि उस समय मेरे अपना साहब इंदरसी के कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े किसी जवान संजू पांडे जी थे, इंदिरा हेडे जी थी, बहुत से नाम थे जो बड़े सशक्त हस्ताक्षर लोग, तो मुझे लगता था कि मांधाता सिंह जी अध्यक्ष हैं, नेता हैं, और मांधाता सिंह की जब सदन में बोलते थे तो मुख्यमंत्री भी बैठ के सुनते थे, और मुझे लगता था मैं 12 वर्षों तक उस विधान परिषद में रहा, तो मुझे कभी कभी लगता था कि अगर मांधाता सिंह जी नहीं है तो फिर आगे संगठन को, जो संगठन ऐसा है मैंने देखा है
कितनी उत्तर प्रदेश में सरकारें रही हैं, इस संगठन ने अपने हाथ हकूक को संघर्षों से लिया है। कभी अगर पानी संसद में बैठे रहते हैं और भारतीय शशि प्रधानमंत्री जी आते हैं मेरे बीच में, तो दोनों भी वहां मुस्कराए नहीं रहते। अभी जो विषय चेतना जी ने उठाया है वो मेरे संज्ञान में अभी कुछ नहीं था। इस नाते उस संदर्भ में आज इस मंच से मेरे कुछ कहने का मतलब भी नहीं है। जो बात ये बता रहे थे कुछ ये लगा कि नहीं ठीक है, इस वार्ता को आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ही चेतनानंद सिंह के लिए सांसद है। इस नाते मैं समझता हूं कि जिस गर्मजोशी के साथ इन्होंने विधान परिषद में विषय उठाया है उस विषय को मैं प्रयत्न करूंगा कि एक बार वार्ता हो और उस वार्ता में मैं इनको हस्तांतरित कर सकूं। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो मुझे इस मंच पर आकर के ये हुई देख करके जोड़ने की अद्भुत क्षमता चेतना सिंह ने, शिक्षक में आते थे तो हम लोग कहा करते थे शिक्षक शिक्षा और शिक्षा परिषद एक ऐसा संगठन है जिसका अध्यक्ष भी है सारी असर से लेकर के ऊपर तक देखा गया तो शिक्षक ही है। हम विद्यार्थी संगठन के लिए काम करते थे लेकिन अध्यक्ष वाला शिक्षक रहा और देवी क्या तो थोड़े लड़ाकू प्रकृति के थे और मैं थोड़ा नम्र था इसी विश्वविद्यालय में। मेरी एक आदत थी ये लोग अपने प्रकृति के अनुसार चलते थे और शिक्षकों को लेकर जो पुराने शिक्षक कहा करते थे मैं थोड़े नम्र था उस समय करता था ये शिक्षकों का हम लोग हम चर्चा कर लेकिन मैं अपने संस्कार से भुला मिला था और ये क्रांतिकारी संस्कार से भूले दोनों अपने अपने संस्कार के आधार पर चल रहे। और सचमुच आज हम पास आप कर रहे थे केंद्रीय त्रिवेदी ने मेरे ही रास्ते को सही समझा और वहां से आगे मेरे साथ शरीर से ही नहीं मैं मन से और दिल से भी आपके साथ। और साथ ही साथ हूं कि वास्तव में शिक्षक के प्रति मेरे मन में काफी आग्रह रहता है। शास्त्र की क्या बातें होती है गुरु गोविंद ये मैं नहीं जानता लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि कोई भी अगर बना है तो शिक्षक से प्रेरणा लेकर के बना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ देश और प्रदेश में जो शिक्षक और कर्मचारी हैं उनकी सामान्य भविष्य निधि योजना को परिवर्तित करके अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दिया है जिस कारण से अवकाश प्राप्त करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को पूरे देश में और इस प्रदेश में भी जो सुविधाएं मिलती थी पेंशन की मृतक आश्रित के नियुक्ति की पारिवारिक पेंशन की राशिकरण की यह सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और साथ ही साथ इनका जो पैसा है और सरकार के खाते में गया हुआ जो पैसा है यह निवेशित कंपनियां ले लेंगी जिनका कोई भरोसा नहीं
कि इनका कुछ काम कब गिर जाए और कब यह पैसे का कीमत समाप्त हो जाए, इसलिए हमने मांग किया है। और जो 8-10 साल से हम लोग लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए और नई पेंशन योजना समाप्त किया जाए, इसमें आप वित्त मंत्री, विधि मंत्री और श्रम मंत्री का के साथ बैठक करा के इसको हल करें। दूसरी हमारी शिक्षा की से समस्या है, जो सामान्य गरीब के बच्चों के अच्छी शिक्षा मिलने से संबंधित है कि केंद्रीय सरकार जैसे 14 वर्षीय शिक्षा समान रूप से लागू किया है, ऐसे ही विकसित राष्ट्रों की तरह से 18 वर्षीय शिक्षा और पड़ोसी प्रणाली के आधार पर लागू करें, जिससे अमीर और गरीब का बच्चा, मजदूर और मजदूर का बच्चा, मालिक का और उसके नौकर का बच्चा एक साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसमें राष्ट्रीय सरकार ने पूरे राष्ट्र का पाठ्यक्रम 1 से 12 तक एक करके जो कदम इस साल उठाया है, उसका हम प्रशंसा करते हैं, साथ ही लागू कर चाहते हैं कि गुणवत्ता उच्च शिक्षा की व्यवस्था पूरे राष्ट्र के स्तर पर लागू। इसमें हम वित्त राज्य मंत्री केंद्र सरकार का माननीय शुक्ला जी का सहयोग प्राप्त करने का निवेदन किया है। विकलांग जन विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नॉर्मल कैंपस में संचालित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का शनिवार को जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आश्रय गृह में रहने वाले बच्चों से मुलाकात की और उन बच्चों को बैग सहित अन्य विकलांग उपकरण वितरित किए। इस दौरान आश्रय केंद्र के बच्चों ने डीएम के लिए स्वागत गीत की प्रस्तुति की। इस मौके पर जिला विकलांग अधिकारी मीनू सिंह, केंद्र के अधीक्षक विजयपाल, प्रधानाचार्य पुष्पावती देवी, नीरज मधुकर सहित अन्य शिक्षक और आश्रय केंद्र के बच्चे मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया, बेसिकली अपने काम खुद करने के लिए ट्रेनिंग देना होगा। माँ बाप नहीं मिल पा रहे क्या? CW से ये बाल संरक्षक भी काम करते हैं के ममता यहाँ आसपास ये इसमें मंडल में बचाया, यही है गोरखपुर है जी, पूर्वांचल में मंडल में इस तरह का तीन ही है सर। बरेली गोरखपुर बरेली में लड़कियों के लिए है सर। बरेली में यहाँ फिर इसका डिमांड ज्यादा है क्या इनका? उम्र क्या है इनका? 15 हो गया पूरी तरह अपनी चाहिए। रिकट तो सही नहीं हो पाएगा, बट किसी में सही थोड़ा थोड़ा बहुत जब पढ़ाई करो भाई तो टीवी ज्यादा देख रहे लग रहे पढ़ते ही नहीं, पढ़ो पढ़ाई भी करना होगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद
सर हम लोग बहुत कुछ सर आते हैं सर पढ़ने के लिए सर हम लोग हुआ है ये सर बच्चे ये तो सर गई पूरी लाइट अंदर 40 बच्चे हैं एक तरफ अनाथ बच्चे हैं दिव्यांग हैं विभिन्न जो कैटेगरी का बच्चे हैं मानसिक बीमारी है वो शारीरिक बीमारी है तो किसी का श्रवण बाधित बच्चे भी हैं उन लोगों को उपकरण बांटा गया है और आगे इन लोगों को भी पढ़ाई का ध्यान देने के लिए हमने निर्देश दिया अभी इन लोगों का अभी इन लोगों का तो माँ बाप तो है नहीं एक तरफ से हमारा जिम्मेदारी होता है जिलाधिकारी के नाते से लोग आगे भी जो करियर का प्लानिंग है वो भी हम लोग कर रहे हैं कल एक संस्था रिहेबिलिटेशन काउंसिल के माध्यम से खुल गया है उनसे टाइप कराएंगे इनका आगे कौशल विकास में वृद्धि कराना है वो कहीं स्कूल कॉलेज में और आगे पढ़ाई के लिए भेजना है फिर नौकरी दिलाना है बहुत तक हम लोग का एक लिंक बनाना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सामने समीक्षा करेंगे तमाम एजेंसी के आपस में एक अग्रीमेंट कराना पड़ता है वो हम जल्दी कराने वाले हैं यहाँ कितने बच्चे आते हैं उन लोग का कम से कम स्वलंबन कराने के लिए जो रास्ता है वो साफ हो जाना चाहिए उसी लाइन में किस तरह के बच्चे हैं आप देखेंगे इस पर तो उस पर मानसिक विकलांग बच्चे हैं कुछ हैं 15-20 बच्चे हैं और आज दिखाई नहीं पड़ता है श्रवण बाधित बच्चे भी हैं इसी विभिन्न कैटेगरी का बच्चे 40 बच्चे हैं उसमें गोरखपुर के बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेधावी छात्रों ने सड़क निर्माण की तकनीक में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है छात्रों ने सीमेंट में अंडों के छिलकों से पोरस फॉलो कंक्रीट पैनल और इंटरलॉकिंग ईंटों का निर्माण किया है जिसमें परंपरागत तरीके से बनने वाले सड़क की लागत में कम से कम 30% तक की कमी आएगी और मजबूती कई गुना बढ़ जाएगी इसके द्वारा बनाए गए इस मॉडल की खासियत ये होगी कि इससे भवनों का निर्माण भी किया जा सकेगा जिससे मजबूती तो बेशुमार रहेगी और उसका भार भी काफ़ी कम होगा जिससे दैवीय आपदाओं से भी कुछ हद तक बचाव हो सकेगा हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये छात्र अपने इस नए प्रोजेक्ट के साथ अखिल भारतीय स्तर के एक दर्जन से भी ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं जिसमें मुख्य रूप से IIT रुड़की में इनको इस प्रोजेक्ट के लिए प्रथम पुरस्कार वर्ल्ड स्किल इंडिया में जोनल लेवल का पुरस्कार IIT कानपुर में द्वितीय पुरस्कार आदि शामिल है इस प्रोजेक्ट में मुख्य रूप से टीम लीडर आशीष कुमार सिंह सुषमा मुजफ्फर रहमान पूजा सिंह और प्रतीक्षा कौनौजिया शामिल थे गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपने इस करिश्माई आविष्कार के बारे में बताते हुए टीम लीडर आशीष सिंह ने बताया कर्मचारी
और आप देख सकते हैं यहाँ से पानी निकल रहा है। इसके बारे में आप सर ये पोरस और कंक्रीट पैनल हम लोगों ने तैयार किया है जिससे कि जैसे आप समाज में रह के भी वो आप देख सकते हैं नीचे हम लोगों ने बनाया जैसे आपका कोटार का रोड होता है और उसके बाद आपका सीमेंटेड रोड आया तो कोटार रोड क्या होता है पानी लगने की वजह से उखड़ने लगता है और जो सीमेंटेड रोड है उस पर भी काई लगती है तो काई लगने का कारण क्या है पानी लगना अगर पानी ना लगे तो काई लगेगी नहीं तो हम लोगों ने एक ऐसा ब्लॉक तैयार किया है वो भी वेस्ट मटेरियल जैसे सिलिका फ्यूम एक्सेल पाउडर और ईवेस्ट इसको यूज़ करके हम लोगों ने एक कंक्रीट तैयार किया है जिससे कि पानी वो सोख करके नीचे चला जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा इससे हम अपने जल स्तर जो है वो भी मेंटेन कर सकते हैं और जैसे कि आगे चल के हम लोग उस पर चाहें तो रेन हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं तो पानी उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जा सके हम लोग का यही मेन कॉन्सेप्ट है और जिससे अंडे के छिलके से क्या हुआ है इसमें हाँ हम लोगों ने इसमें अंडे का छिलका इसलिए यूज़ किया है जिससे इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है जो इसमें पकड़ बनाने की बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है जिससे कि सीमेंट में उसको हम यूज़ कर सीमेंट में मिलाएंगे इससे उसकी पकड़ की ज़रूरी होगा और इसमें सिलिका ऑक्साइड जो यूज़ किया सिलिकॉन ऑक्साइड उससे उसमें अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगा मतलब जल्दी उसमें सेट होने की आ जाएगा जिससे कि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा और हमारे इसको रोड पर भी लगा सकते हैं इसको हम लोग आपका पार्किंग लेन में भी लगा सकते हैं अपने बिल्डिंगों में भी लगा सकते हैं बिल्डिंगों में लगाएंगे तो क्या होगा उसका अपना खुद का भार कम हो जाएगा जिससे कि वो बिल्डिंग कभी भी क्या कहते हैं ख़राब नहीं होगी और अर्थक्वेक प्रूफ रहेगी अर्थक्वेक पे भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और ये हमारा आगे चल के बहुत ज़्यादा आगे मतलब जाएगा और हम लोग ने इसको DSC में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ है ऑल ओवर इंडिया लेवल और हम लोग IIT BHU और IIT कानपुर IIT रुड़की ये तीनों IITs में हम लोग जीते हैं वहाँ पर कॉम्पिटिशन में और हम लोगों ने स्टेट लेवल में भी उत्तर प्रदेश लेवल पे हम लोग फर्स्ट रैंक लाए हैं गोल्ड मेडलिस्ट अगर हम तो क्या लगता है सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि इस प्रोजेक्ट के प्रति कुछ जागरूकता दिखाएंगे या काम करेंगे आपके सर अभी हम लोग उस पर कोशिश कर रहे थे और ज़रूर इस चीज़ को हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास तक ले जाएंगे जिससे कि वो भी जाने और वो भी चीज़ को समझें कि इस पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अपने शनिवार को नगर निगम परिसर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने कहा मित्र आज का दिन बाबा साहब ने मानव समानता की बात कही थी ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत से दूर रहते हुए सबकी समानता के लिए संविधान में जगह दिया था और इसलिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है इसलिए आज हम लोग उस दिन का शेयर कर रहे हैं ऐसे
महामानव का हम लोग जन्मदिन जन्मोत्सव मना रहे हैं। यह समाज के इस प्रकार का बहुत बड़ा संदेश देता है। हम युवाओं को उनके रास्ते पर चलते हुए जो भी दलित शोषित पीड़ित उपेक्षित हैं उनकी समानता के लिए सदा लड़ाई लड़ते रहे, यही दिन है और यही आज का दिन कहीं न कहीं हम लोग समझाता है और सिखाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महामंत्री पवन यादव के नेतृत्व में बाबा साहब के जयकारे के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के पवन यादव ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर गोरखपुर रामलीला मैदान भारत भीमराव अम्बेडकर के मैदान से शुरुआत करके इस शोभा यात्रा को कांचीराम शहरी विकास योजना के में जाके समापन हम लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भीमराव अम्बेडकर के बाबा साहब के सिद्धांतों और मार्गों पर चलने के लिए हमेशा अग्रसर है, कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के उन दबे कुचले व्यक्ति की पहचान हमेशा बनने की कोशिश करती है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिवस के अवसर पे भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर गोरखपुर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे इस शोभा यात्रा को विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए कांचीराम शहरी विकास योजना में समापन किया। नहीं ऐसा हम लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, समतामूलक समाज की राजनीति करती है और बाबा साहब राष्ट्र के धरोहर हैं। हम लोग वो किसी भी दल और किसी पार्टी के नहीं है, वो सर समाज के नेता हैं। उन्होंने संविधान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को नमन करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं सूचना है, विभिन्न त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर ने जनपद के महानगरी परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में 11 जून तक धारा 144 लागू कर दी है, जिसका उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अपराध है। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रीता मिश्रा के पिता जगदम्बा प्रसाद पांडे की स्मृति में फिफ्थ साइड हॉकी अंडर 16 प्रतियोगिता का आयोजन 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था। पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता के हॉकी के गुरुओं द्वारा नियम के तहत आयोजित किया गया था, जिसे गोरखपुर न्यूज ने अच्छी तरह कवरेज कर अपने चैनल पर इसे प्रसारित भी किया था। प्रतियोगिता को अच्छी तरह से कवरेज करने के लिए आयोजन समिति के सदस्यों ने मीडिया को बधाई दी है। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोषाध्यक्ष नीलम त्रिपाठी ने कहा, क्या प्रेस वार्ता हाल में ही रीजनल स्टेडियम में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता के संबंध में किया गया है। यह प्रतियोगिता 5A साइड हॉकी प्रतियोगिता श्रीमती रीता मिश्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रह चुकी है, उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय पिता जगदम्बा प्रसाद पांडे के याद में यह आयोजित किया। इसके मुख्य अतिथि गिरजेश पाल सिंह वार्ड संख्या 43 और राजेश तिवारी जो कि पार्षद वार्ड संख्या 9 के, इनका मुख्य सहयोग रहा है। इनको मैं यह प्रेस वार्ता इसी उपलक्ष्य में किया गया, इनका
धन्यवाद देने के लिए। और रीता मिश्रा, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य स्तर पे कोई भी महिला पहली बार अपने पिता की याद में यह हॉकी टूर्नामेंट इन्होंने करवाया, और आगे भी ये जो हमारे अतिथिगण रहे ये राज्य स्तर पर करवाने के लिए इन्होंने आशीर्वाद दिया है इन्हें और सहयोग करेंगे हम सबका। चलिए चलने के पहले नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिलाधिकारी ने किया उनके चित्र पर माल्यार्पण, मनाया गया सोशल जस्टिस डे, कहा कार्यालय में अपने काम से आने वालों के साथ ना करें भेदभाव। सभी राजनीतिक पार्टियों ने याद किया संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का योगदान, मनाई 127वीं जयंती, मूर्ति और चित्रों पर हुए फूल मालाओं के बरसात। इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनाया बाबा साहब का जन्मदिन। सपा और बसपा ने भी साथ में मिलकर मनाया भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। इसी क्रम में अंबेडकरवादी जागरण मंच ने मनाया बाबा भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मोत्सव। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने भी मनाया भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव। सिख समुदाय ने मनाई बैसाखी का पर्व, पूरे हिंदुस्तान सहित महानगर में भी आयोजित हुआ शबद कीर्तन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ तेज नारायण गुट के 55वें प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक विचार गोष्ठी में शिक्षकों ने उठाई अपनी समस्याएं, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, बच्चों में वितरित किया विकलांग उपकरण। गोरखपुर के मेधावी इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई सड़क निर्माण के लागत में कम से कम 30% कम करने की तकनीक, जीत चुके हैं दर्जनों से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष में समाजवादी पार्टी द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अंबेडकर जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। 11 जून तक धारा 144 लागू, एडीएम सिटी ने दिया आदेश। और फिफ्थ असाइड अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता के सफल कवरेज के लिए आयोजकों ने दिया मीडिया को धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।